हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो में NCERT CBSE बोर्ड के भाष्यता संस्कृत पुस्तक का नाम है, जिस पाठ की द्वितीय पाठ जिसका नाम है सौवर्ण नकुलह। इस पाठ के मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा। बेसिकली इसमें सारे श्लोक्स हैं और सभी श्लोकों के हर शब्द का अर्थ बताता हुआ चलूँगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो ट्रांसलेशन करने से पहले एक बार इस पाठ के बारे में जान लेते हैं, इसके समरी यानी कि सारांश क्या है, या फिर आप इसे डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हो, यानी कि इस पाठ का विवरण क्या है, यानी कि ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है और इसकी रचयिता वगैरह वगैरह कौन है। सो चलिए देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी सुने। प्रस्तुत पाठ महर्षि व्यास विरचित महाभारत के अश्वमेधिक पर्व अध्याय 91 से 93 से संकलित है। महाभारत के युद्ध के अनंतर महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ के संपन्न होने पर एक नकुल यानी कि नेवला यज्ञ भूमि में आता है, जिसका आधा शरीर सोने का है। वह यज्ञ भूमि में उपस्थित याज्ञिकों से कहता है कि यह अश्वमेध यज्ञ भी उस ब्राह्मण के शत्रुप्रस्थ यज्ञ के तुल्य नहीं है, जिसमें मेरा आधा शरीर स्वर्णमय हो गया था। उस नकुल की ऐसी आश्चर्यजनक वार्ता को सुनकर याज्ञिकों द्वारा शत्रुप्रस्थ यज्ञ के विषय में जिज्ञासा करने पर नकुल याज्ञिकों के समक्ष प्रस्तुत कथा को सुनाता है। तो चलिए आप भी सुनिए, क्यों उस नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया था। शुरू करते हैं पहले श्लोक के साथ। श्रूयताम राजशार्दुल महदाश्चर्यमुत्तमम अश्वमेधे महायज्ञे निवृत्ति यद्भुद्धिः। श्रूयताम यानी कि सुनो, राजशार्दुल यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ, महदा यानी कि महान यानी कि बहुत, आश्चर्य यानी कि आश्चर्यचकित, और उत्तमम यानी कि उत्तम यानी कि महान उत्तम यानी कि बहुत बड़ा आश्चर्य, अश्वमेध यानी कि अश्वमेध का जो यज्ञ होता है उसे अश्वमेध कहा जाता है, और महायज्ञ यानी कि महायज्ञ में, निवृत्ति यानी कि संपन्न होने पर, यद यानी कि जो, और विभो यानी कि हे स्वामी। तो वो नेवला कहता है उन याज्ञिकों से जो यज्ञ कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हे नृपश्रेष्ठ यानी कि हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे स्वामी, अश्वमेध यज्ञ के संपन्न हो जाने पर, निवृत्ति यानी कि संपन्न हो जाना यानी कि संपन्न हो जाने पर जो महान उत्तम आश्चर्य उसे हुआ उसे आप सुने। आगे देखते हैं दूसरे श्लोक को। बिला निष्क्रम्य नकुलो रुक्म पार्श्वस्तदानघ मानुषम वचनम प्राह धृष्टो विलशयो महान। इसमें बिला निष्क्रम्य, इसमें दो शब्द मौजूद हैं, बिलात प्लस निष्क्रम्य यानी कि बिलात यानी कि बिल से, और निष्क्रम्य यानी कि बाहर निकलकर, नकुल यानी कि नेवला, रुक्म पार्श्वस्तदानघ, पार्श्व यानी कि बगल, और रुक्म यानी कि सुवर्णमय यानी कि स्वर्णमय, और अनघ यानी कि हे पाप रहित, मानुषम वचनम यानी कि मनुष्य की आवाज में, प्राह यानी कि बोला, धृष्ट यानी कि किसी के दबाव में न आने वाला, विलशयो यानी कि बिल में रहने वाला, महान यानी कि बहुत बड़ा, ही अनघ यानी कि ही पाप रहित, स्वर्णमय बगल वाला, बिल में रहने वाला, बिला निष्क्रम यानी कि बिल में रहने वाला, विलशयो यानी कि बिल में रहने वाला, अत्यंत शक्तिशाली एक नेवला बिल से बाहर निकलकर, बिला निष्क्रम यानी कि बिल से बाहर निकलकर मनुष्य की वजन में इस प्रकार बोलने लगा, प्राह यानी कि बोला या बोलने लगा, इस प्रकार बोलने लगा। तो आप भी सुनिए क्या बोला वो। शक्तुप्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः उच्च वृत्तिर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनः। शक्तुप्रस्थेन यानी कि एक शेर शत्रु से, वो यानी कि वह या तुम्हारा, नायम यानी कि नहीं है, यज्ञस्तुल्यो यानी कि यज्ञ के समान, नराधिपाः यानी कि हे राजाओं, जब इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है तो सबसे पहले
इसे कहा जाता है संस्कृत में उच्च वृत्ते है, यानी कि गिरे हुए दान से जीवन निर्वाह करने वाले, और वदान्य से यानी कि दानी के, कुरुक्षेत्र यानी कि कुरुक्षेत्र के, और निवासने यानी कि निवास करने वाले, यानी कि कुरुक्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कुरुक्षेत्र निवासी कहा जाता है। सो आगे देखते हैं इसके सरल अर्थ को। हे राजाओं, तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में रहने वाले और खेत में गिरे हुए अनाज के दानों से जीवन निर्वाह करने वाले दानों के एक शेर सत्व के समान भी नायम यानी कि नहीं है, समान भी नहीं है यानी कि मूल्यवान नहीं है, यज्ञस्तुल्यो यानी कि यज्ञ के समान। यानी कि जो पांचों पांडव यज्ञ कर रहे थे उसके बाद उस यज्ञ की तुलना वो उस यज्ञ से कर रहे थे जो उस नेवले के साथ घटित हुआ था, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर सोने का हो गया था, यानी कि उसी एक शेर सत्तु की वजह से ही उसका शरीर आधा सोने का हो गया था। सो क्यों हो गया था आधा सोने का शरीर, आगे देखते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म गैर बहुभिर वृते उच्च वृत्तिर द्विजह कश्चित कापुतिर भवत पुरा। यानी कि धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म गैह यानी कि धर्म का ज्ञान रखने वालों के द्वारा उच्च वृत्ति यानी कि खेत में गिरे हुए अनाज की जीवन निर्वाह करने वाला, यानी कि खेत में जो अनाज गिरे होते हैं पड़े होते हैं उससे उन दानों को उठाकर उससे जीवन निर्वाह करने वाला, द्विजह यानी कि ब्राह्मण होता है, कश्चित यानी कि कोई, कापुति ही यानी कि कबूतर के समान इधर उधर के दाने चुगकर जीवन यापन करने वाला, पुरा यानी कि प्राचीन काल में या प्राचीन समय में। आगे देखते हैं इसके सरल अर्थ को। यानी कि प्राचीन काल में धार्मिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कई धर्मज्ञों के साथ खेत में गिरे हुए अनाज से व कबूतरों के द्वारा या कबूतर के समान इधर उधर के दाने चुगकर जीवन यापन करने वाला, कापोती यानी कि कबूतर होता है, कपोत कबूतर ये आपने सुना होगा, सो कबूतर की तरह इधर उधर के दाने चुगकर जीवन यापन करने वाला एक ब्राह्मण हुआ था। बहुभिर वृते यानी कि द्विजह यानी कि ब्राह्मण और अभिर वृते यानी कि हुआ था। सो कोई ब्राह्मण था, काफी गरीब ब्राह्मण था। सो वो जो खेत में पड़े हुए अनाज और कबूतर की भांति कबूतर इधर उधर के दाने चुगकर अपना भरण पोषण करता है, तो उसी प्रकार वो ब्राह्मण भी कबूतर की तरह इधर उधर के दाने कहीं से उठाया और किसी खेत से कोई दाने उठाकर जीवन यापन करने वाला कोई ब्राह्मण था। स भार्यः सह पुत्रेण सस्नुषस तपसि स्थितः बधुर चतुर्थो वृद्धः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः। स भार्य भार्य यानि कि पत्नी, यानि कि स भार्य यानि कि अपनी पत्नी, पत्नी सहित, सह यानि कि सहित, पुत्रेण यानि कि पुत्र के साथ, और सस्नुष यानि कि पुत्र वधु, तपसि स्थितः यानि कि तपस्या कर रहा था, वृद्धः यानि कि बूढ़ा, स यानि कि वह, धर्मात्मा यानि कि धार्मिक स्वभाव वाला, और नियतेन्द्रियः यानि कि जितेन्द्रियः जो इंद्रियों को जीतने वाला जितेन्द्रिय होता है, बधु चतुर्थो यानि कि बधु के साथ रहने वाला चौथा वह वृद्ध पुरुष या वृद्ध ब्राह्मण। सो आगे देखते हैं इसके सरल अर्थ को। सो वहाँ अपनी पत्नी पुत्र और पुत्र बधु के साथ वह चौथा वृद्ध ब्राह्मण या धर्मात्मा, वह धर्मात्मा तपस्या कर रहा था, तपसि स्थितः यानी कि तपस्या कर रहा था, यानी कि वह वृद्ध धर्मात्मा जितेंद्रिय था, इंद्रियों को जीतने वाला, वो तपस्या कर रहा था किसके साथ, अपनी पत्नी पुत्र और पुत्र वधु के साथ, चौथा वह धर्मात्मा या वह वृद्ध धर्मात्मा और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय तपस्या में लीन था। सो इस वीडियो में श्लोक 1 से लेकर 5 तक मैंने ट्रांसलेशन किए हैं, आगे के
वीडियो में मैं आगे श्लोक नंबर 6 से ट्रांसलेशन करूँगा। सो हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।